30 साल से ज्यादा का समय हो गया है और वो अपने ही देश में रिफ्यूजियों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। कारण है धार्मिक कट्टरता, जिसको न तो हम जानना चाहते हैं, न मानना चाहते हैं, न ही जिसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। कोई कहता है ये कि ये एक रात का मंजर था, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर छोड़कर देश के विभिन्न भागों में विस्थापित होना पड़ा। लेकिन क्या वो एक रात का मंजर था या सोची समझी पृष्ठभूमि? आइए बात करते हैं उस कश्मीर के इस्लामीकरण की पूरी कहानी पर। कश्मीर घाटी में एक ऐसा समय था जब पूरी घाटी में कश्मीरी हिंदू पंडितों का वर्चस्व हुआ था करता था। ये ऐसे ही नहीं था, उनकी मेहनत तप त्याग से ये सब संभव हुआ था कि वो सभी लोग संपन्न थे, बड़े बड़े केसर के बाग, भवन, महलों जैसे घर और वो सब सुख सुविधाएं जो आज हम और आपके पास नहीं है। लेकिन सिर्फ एक गलती जिसकी वजह से उन्हें ये सब छोड़कर टेंटों में रहने के लिए, दर्दनीय और दर्दनाक जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया, वो गलती थी कि कश्मीर घाटी में उनका अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में होना। कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदू पंडित फैले जरूर हुए थे, लेकिन वो अल्पसंख्यक थे। जैसे हर गांव में 5-7-10 घर होना, इस तरीके से पूरे घाटी में वो फैले हुए थे। बड़े बड़े सरकारी पदों पर भी वो तैनात थे और हर सुख सुविधाएं उनके पास थी। लेकिन धार्मिक कट्टरवाद बढ़ता गया। कोई ये जरूर भ्रमित करता है कि ये एक रात की घटना है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार कर दी गई थी। 1980 का समय था जब शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते थे और उन्होंने 30 साल की सक्रिय राजनीति करने के बाद जब उन्हें पता चला कि जम्मू कश्मीर में उनका होल्ड कम होता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी सेकुलर छवि को बदल दिया और 1980 आते आते उन्होंने कई राजनीतिक भाषणों में कश्मीरी हिंदू पंडितों को अदर्श कहकर पुकारा और इसके बाद अपना सेकुलर चोला फेंक कर इसकी शुरुआत की। 1982 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1983 में फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसके बाद राजनीतिक उठापटक जम्मू कश्मीर में चालू रही। 1984 में तख्ता पलट हुआ जब चीफ मिनिस्टर गुल शाह को बनाया गया। 1988 आते आते दोबारा से फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं जम्मू कश्मीर में। इसके बाद 1988 में ओपन इंसर्जेंसी की शुरुआत हो चुकी थी और धार्मिक कट्टरवाद धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसको लीड कर रहा था JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। इसके बाद 14 सितंबर 1989 को सरेआम खुले चौक पर कश्मीर में टीकालाल टपलू को खुलेआम मार दिया जाता है। वो एडवोकेट थे और बीजेपी के घाटी में लीडर भी थे। इसके बाद मात्र 17 दिन बाद ही 2 अक्टूबर 1989 को नीलकंठ गंजू, जो एक रिटायर्ड जज थे और शायद जिनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, जो JKLF का एक सदस्य था, जिसकी वजह से उस सजा सुनाने के बाद उसे फांसी हुई, जिसके कारण JKLF ने नीलकंठ गंजू को भी मार दिया। ये कश्मीरी हिंदू पंडितों के फेसेस थे, सोशल फेसेस थे, और इनकी हत्या करने का मकसद सिर्फ इतना था कि कश्मीरी हिंदू पंडितों के मन में भय का माहौल पैदा करना। और कहीं ना कहीं ये संगठन जो धार्मिक कट्टरवाद पर ये सब कर रहे थे, वो इस चीज में सफल भी हुए। कश्मीरी हिंदू पंडितों के मन में भय धीरे धीरे घर कर गया था। अब एक और घटना होती है, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी को अगवा कर लिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा और भारत सरकार को न जाने किस दबाव में आकर 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ता है। इसी का कारण था कि घाटी में आतंकवादियों के और इन संगठनों के हौसले और भी बुलंद हो गए और धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर आतंकवाद घाटी में पूरी तरह से फैल गया। इसके बाद 4 जनवरी 1990 को
अखबार में खुलेआम इश्तिहार दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि अगर कश्मीर घाटी में हिंदू पंडितों को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को रहना है तो या तो उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा या फिर उन्हें ये घाटी छोड़कर जाना होगा। इन दोनों में से अगर वो कोई भी रास्ता नहीं अपनाते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता उनके पास बचता है, वो है मौत का रास्ता। मतलब उन्हें भी टीकालाल टपलू और नीलकंठ गंजू की तरह सरेआम मार दिया जाएगा। इसके बाद 19 जनवरी 1990 को मुख्यमंत्री पद से फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा दे देते हैं। सेंटर की तरफ से 19 जनवरी को ही जगमोहन जी को राज्यपाल नियुक्त करके वहां भेजा जाता है। वो इस मौसम में जम्मू में तो पहुंच जाते हैं लेकिन घाटी में आगे मौसम खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाते, जिसके बाद मस्जिदों के स्पीकरों से आवाज आने लगती है, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, घाटी में रहना है, अल्लाह अकबर कहना है, घाटी छोड़कर कश्मीरी हिंदू पंडित चले जाएं। और इसके बाद पलायन शुरू हो जाता है। कोई ये कहता है कि ये पलायन सिर्फ एक ही दिन का था, लेकिन कश्मीरी हिंदू पंडित संघर्ष समिति की बात मानिए तो यह पलायन लगातार चलता रहा 2004 तक। अगर हम भारत सरकार के आंकड़ों की बात माने तो भारत सरकार ये कहते हैं कि 1989 से लेकर 2004 तक 219 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जिनमें कश्मीरी हिंदू पंडित ही थे। लेकिन ये सच कितना है और कहां तक है, इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि कश्मीरी हिंदू पंडित संघर्ष समिति ये कहती है कि नवंबर 1989 से लेकर अप्रैल 1990 तक मात्र 5-6 महीनों में 700 से ज्यादा कश्मीरी हिंदू पंडितों की हत्या कर दी जाती है। ये एक रात का मंजर नहीं था। इसके बाद भी 13 फरवरी 1990 को लसाकोल, जो एक स्टेशन डायरेक्टर थे श्रीनगर में दूरदर्शन के, वो प्रो इंडिया न्यूज अपने स्टेशन पर दिखाते थे, जिसकी वजह से उनकी भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे डर घर तो कर ही गया था, पलायन भी धीरे धीरे चलता ही रहा। लगातार हत्याएं, अपहरण और महिलाओं के रेप घाटी में शुरू हो चुके थे और लगातार हो रहे थे, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ये बताती है कि घाटी में 75,000 परिवार जो कश्मीरी पंडितों के रहते थे वो छोड़कर देश के विभिन्न भागों में स्थापित हो गए, और 1992 आते आते 75,000 परिवारों में से 70,000 ने घाटी को छोड़ दिया था। अगर हम सरकारी आंकड़े की बात करें तो आज भी मात्र 800 परिवार अब भी कश्मीर घाटी में रहते हैं जो कश्मीरी हिंदू पंडितों के हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि घाटी का इस्लामीकरण हो चुका है। 19 जनवरी 1990 के बाद 19 जनवरी 2020 मतलब 30 साल बाद कश्मीरी हिंदू पंडितों ने होलोकास्ट डे मनाया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग सरकारों के प्रति अपना क्रोध भी जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी सरकार आई हो लेकिन उनके बारे में कभी नहीं सोचा गया। हाँ, राजनीति जरूर की गई। अगर हम बात करें धारा 370 हटने के बाद भी तो अलग अलग कंपनियों, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज को भी जमीनें दी गई हैं विकास के नाम पर, ग्रोथ के नाम पर। लगभग 3000 एकड़ से ज्यादा की जमीन विकास के नाम पर अलग अलग कंपनियों को, डेवलपर्स को दी गई है, लेकिन आज तक 300 एकड़ जमीन भी कश्मीरी हिंदू पंडितों को दोबारा से घाटी में स्थापित करने के लिए नहीं दी गई है। ये इस देश का दुर्भाग्य ही है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज आज हाथ जोड़कर सरकार से विनती कर रहा है कि उन्हें उन्हीं के घर में रहने दिया जाए। कितना दर्द होगा कि अगर किसी दिन हमें ये बोल दिया जाए कि हमें अपना घर बार, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़कर एक रात में ही किसी ऐसी जगह चले जाना है जहां पर हमें कोई नहीं जानता। इस दर्द को मैं और आप महसूस नहीं कर सकते। इतनी विनती जरूर कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इन कश्मीरी हिंदू पंडितों की सुने और दोबारा से उन्हें उनके घर में स्थापित करने में मदद करे, जहां पर भी हो, लेकिन हमें इनके प्रति आवाज जरूर उठानी चाहिए। धन्यवाद। जय।